एक और नया दिन आ गया, एक और नया दिन की शुरुआत। फिर से उठे, मोबाइल चलाया पूरे दिन, शॉर्ट्स देखे, अनगिनत वीडियोस देखे, दोस्तों के साथ टाइम पास किया, चैट की, बातें करी, बस और दिन गायब। What is stopping you from doing hard work? What is stopping you from waking up in the morning, studying really hard and cracking an exam? What is stopping you? कोई तो ऐसी चीज होगी। क्यों अंदर से अभी भी आपके आग नहीं आ रही? किस लिए पढ़ रहे हो आप? क्या आपका मकसद है लाइफ में? क्या आपको सच में वो एग्जाम निकालना है, या आपको पेरेंट्स के बहकावे में, या दोस्तों के बहकावे में, या समाज के बहकावे में आपको वो करना है? What is that one reason that you want to write that exam? कोई तो एक रीजन होगा, कोई तो एक रीजन होगा कि आप सुबह उठो, किताब उठाओ, पढ़ो और मेहनत करो। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। इजी तो नहीं है भाई, किसने बोल दिया इजी है? सुबह उठते ही, जैसे आप उठे, सुबह के 6 बजे है, नोटिफिकेशन आया, कोई नया गाना आ गया, कोई नई वीडियो आ गई, कोई नया इंस्टा शॉर्ट आ गया, यूट्यूब शॉर्ट आ गया, एंटरटेनिंग है, मजा तो आएगा ना उसमें, मसाले वाली चीजों में मजा आएगा ना। दाल रोटी किसको खानी है जब बाहर पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ये सब मिल रहा है? बट यू हैव टू रियलाइज कि आपको करना क्या है भाई। अगर आप बेमतलब से तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज की हो सकती है, बोर्ड्स की हो सकती है, नीट की हो सकती है, IIT की हो सकती है, UPSC की हो सकती है, इवन एक जॉब इंटरव्यू की हो सकती है, किसी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हो, दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या सच में आप उसकी तैयारी करना चाहते हो? व्हाट इज योर इंटेंट टू वर्क फॉर इट? रीजन होना चाहिए ना भाई कोई। अगर रीजन ही नहीं है, अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो, स्टेटस पे डालने के लिए कर रहे हो, तो क्या मतलब है भाई? किसको बेवकूफ बना रहे हो? अपने पेरेंट्स को, सोसाइटी को, अपने दोस्तों को, या खुद को? एक बार सोच तो लो। इधर उधर 25 जगह की वीडियोस देख रहे हो, लाइन से इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग सेंटर्स, इनको कंपेयर कर रहे हो, टीचर्स को कंपेयर कर रहे हो, अपना 99.9% टाइम आप इन्हीं कंपैरिजन में वेस्ट कर रहे हो, और 0.1% टाइम थोड़ा सा पढ़ लिख रहे हो। क्या फायदा है इस पूरी चीज का? क्लास में अगर आ भी रहे हो तो यूट्यूब पे चैट कर रहे हो, ग्रुप्स बना रहे हो, फ्रेंड से इधर उधर की बातें कर रहे हो। आपको भैया करना भी है कि नहीं करना? कोई भी एग्जाम हो सकता है, क्या सच में आपको करना है? अगर नहीं करना तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? एंजॉय करो, चिल करो। दूसरों को लगे कि आप पढ़ रहे हो, वैसे पढ़ाई का क्या फायदा भाई? सीधी सी बात है ना, उस चीज का एटलीस्ट ना आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, पेरेंट्स के भी आंखों में आप धूल झोंक रहे हो, अपने फ्रेंड्स के भी आंखों में आप धूल झोंक रहे हो। अगर आप उनको बोल रहे हो कि देख भाई मेरा इतना हो गया, मैंने इतना कंप्लीट कर लिया, अगर आपको नहीं करना और सबको, दुनिया को भूल जाओ भैया, अपने आप को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? कोई तो ऐसी चीज होगी जो आपको मोटिवेट करे सुबह उठने के लिए, रात को ना सोने के लिए, जो आपको सच में करनी है। दैट कुड बी एनीथिंग, दैट कुड नॉट जस्ट बी एन एग्जाम दैट यू आर गोना क्रैक, दैट कुड बी अ बिजनेस आइडिया, दैट कुड बी एनीथिंग, राइट? बट अंदर से कुछ निकलना चाहिए ना, अंदर से आवाज आनी चाहिए, अंदर से एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको फोर्स कर सके ये। अगर ना आपको समझना है कि भैया ये चीज सच में मुझे करनी है कि नहीं, एक छोटा सा टेस्ट करो। सुबह उठो, 6 बजे उठो, और आपके पास डिस्ट्रैक्शन के सारे टूल्स हैं, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, सारी यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, सब कर सकते हो, जो करना है आप कर सकते हो। कोई एक ऐसी चीज है जो आपको वो ना करते हुए, ये सारे डिस्ट्रैक्शन वाली चीज से उभर कर, आपको उस चीज करने में मन लगे, खोजो वो चीज। हैविंग सेड दैट, क्या वो इजीली मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। कभी किसी ने ट्रैकिंग करी है? कोई भी, एक छोटी सी भी ट्रैकिंग, आप जब ट्रैक करना स्टार्ट करते हो, नए शूज खरीदते हो, एकदम अच्छे से ट्रैकिंग सूट पहन के जाते हो, एकदम इस तरह से, मतलब जब तक आप बेस से निकलते हो ट्रैक के, तब तक मजा आता है। जब ट्रैक का रास्ता थोड़ा सा मतलब पथरीला होने लगता है, थोड़ा स्टीप बढ़ जाता है, तब गिवअप होने लगता है। मेजॉरिटी बंदों का वहीं पर गिव अप होने लगता है, तब वो मजा जो ट्रैक का है ना, वो कहीं में बीच में हट जाता है, अब वो पैशन नहीं रहता, राइट? उस वक्त कोई गाने सुन रहा होगा, कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब मैं एक ट्रैकिंग के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, कोई उस वक्त चाय वाय पीने लग जाएगा, थोड़ा रेस्ट करना बनता है, बट कोई लोग वहीं से वापिस आ जाएंगे, बोलेंगे हमें मन नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा यार। बट उस वक्त, उस पर्टिकुलर टाइम पे, जब आपको पता है कि डिस्ट्रैक्शन वगैरह सब हैं और मेरा मन भी कर रहा है वो करने में, बट कोई एक ऐसी चीज जो आपको वहां पे रोके रखे, वो बस एक कन्विक्शन हो सकता है,
वो एक ट्रस्ट हो सकता है, वो एक मिशन हो सकता है, वो एक इनर लव हो सकता है, वो एक फैमिली की सिचुएशन को अलग करने का एक जज्बा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो अगर आपके पास चीज़ है ना दोस्त, तो आप धीरे धीरे ट्रैक कंटिन्यू करोगे और जब आप पीक पर पहुंच जाओगे तब आपको उस रास्ते की वैल्यू पता लगेगी, वैसे नहीं पता लगेगा। गिव अप करना बहुत ईजी होता है, किसके बस में नहीं है गिव अप करना, कोई भी गिव अप कर दे यार, गिव अप करना सबसे ईजी चीज़ है। और अगर आप सच में वो नहीं करना चाहते, अब आपको रियलाइज हो गया नहीं यार मेरे से नहीं हो पा रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, देन जस्ट स्टॉप इट। जीनियस इज नोइंग व्हेन टू स्टॉप। बेवकूफ मत बनाओ दूसरों को या खुद को, अगर नहीं हो रहा कोई भी चीज तो रुको, टेक अ वाइज डिसीजन, टेक अ स्टेप बैक, सोचो कि आपको ये करना भी है कि नहीं करना। और अगर नहीं करना, इतना ही डिफिकल्ट हो रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा, इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि आप लिटरली डिप्रेशन में जा रहे हो, तो रुक जाओ वहीं पे। इट इज नॉट दी ओनली ऑप्शन। इफ आई टॉक अबाउट जेई और नीट, इट इज नॉट दी ओनली ऑप्शन, देयर आर टन्स ऑफ अदर लाइफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। नहीं हो रहा तो वहीं पर रुक जाओ, दैट इज द थिंग। बट डू यू हैव दैट कन्विक्शन, डू हैव द गट्स टू स्टॉप देयर? और अगर नहीं है, और अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ा सा बस ये डिस्ट्रैक्शन लग रहा है पर करना मुझे ले लिया, तो दोस्त लग जाओ, सुबह उठो, 4 घंटे पढ़ो, नहीं मन नहीं करेगा, थकावट होगी, डिस्ट्रैक्शन होंगे, आधे आधे घंटे में ब्रेक लेनी पड़ेगी, बट एक दिन वो आएगा जिस दिन आप लिटरली सुबह उठ रहे हो 4 घंटे के लिए पढ़ो, 5 घंटे के लिए पढ़ो, वो दिन आएगा। बट वो ऐसे नहीं आ जाएगा, ऐसे ही परसों सुबह उठे कोई यूट्यूब पे 10 घंटे की मैराथन चल रही है वो देख ली और आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो, वो पढ़ाई नहीं है दोस्त, वो एक सप्लीमेंट है। लिटरली आपको हार्डवर्क करना है, खुद से लिखना है किताबों पे, सवाल हाथ से सॉल्व करने हैं, आपको लग रहा है आप वीडियो को 2x करके देख रहे हो और आप पढ़ रहे हो, वो पढ़ाई नहीं है भाई। अगर 10 लाख बच्चे IIT दे रहे हैं, 20 लाख बच्चे नीट दे रहे हैं, तो वो तो 30 लाख बच्चे कर रहे हैं ना ऑलरेडी, 25 लाख बच्चे बोर्ड्स दे रहे हैं, तो वो तो सब कर रहे हैं ना, फिर क्यों उनमें से थोड़े से चंक ऑफ लोग ही अच्छे मार्क्स ला पाते हैं? क्योंकि वो साथ में अपना भी डाल रहे हैं एफर्ट। तो समझो उस बात को एंड रियलाइज व्हाट इज दैट द थिंग जो आपको रोक रही है वो करने के लिए, और उठो यार, अभी नहीं उठे तो कब उठोगे? अभी अगर वो मेहनत वाले, और मेहनत को मतलब लग जाना पड़ता है, आग चाहिए अंदर से, मतलब लिटरली जब बोलते हैं ना कि आप सुबह जब उठोगे या रात को आप 12 बजे पढ़ रहोगे, 1 बजे पढ़ रहोगे, पूरी दुनिया सो रही होगी, तब आपको पढ़ना है, तब आपको पता लगेगा कि नहीं यार मुझे कुछ अलग करना है। इफ़ यू वॉन्ट टू बी 1% ऑफ द वर्ल्ड, देन यू हैव टू डू वट 1% ऑफ द वर्ल्ड इज डूइंग। हमें हमारी दिक्कत पता क्या है, हम करना तो नॉर्मल चीज़ें चाहते हैं और रिजल्ट हमें चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाए, हो ही नहीं सकता ना, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। जो भी यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जेई नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, और उनको तो पता होना चाहिए भाई, इट इज नॉट लॉजिकल। आप चाह रहे हो कि बैठे बैठे कुछ मिल जाए, बट वो कैसे होगा, राइट? सो दैट्स थिंग्स, समथिंग आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड वर्क रियली हार्ड एंड स्मार्ट। यू आर गोना डू इट। बाय बाय।